नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 खबरों की। महाविजय के बाद पीएम मोदी बोले, अब क्या नहीं कहेंगे, 22 ने तय किए 24 के नतीजे। बिहार से दिल दहला देने वाला मामला आया सामने, गाड़ी में बंद कर युवक को जिंदा जलाया, दृश्य देख सहम गए लोग। विपक्ष विकल्प बनने की ओर आपने बढ़ाए कदम, भाजपा और कांग्रेस के बाद तीसरी ऐसी पार्टी जिसकी 2 राज्यों में सरकार। सुप्रीम कोर्ट में पहली बार मना समारोह, सीजेआई ने कहा कानूनी शिक्षा में लड़कियों को मिले आरक्षण। हार के बाद बदलाव को लेकर कांग्रेस में फिर संग्राम के संकेत, असंतुष्ट नेता पार्टी नेतृत्व पर फिर सवाल उठाने को तैयारी में जुटे। उत्तर प्रदेश में अब नए मंत्रिमंडल से 24 की 64 सजाएगी भाजपा, नए डिप्टी सीएम की तलाश। यूपी में हार के बाद अखिलेश का पहला बयान, दूर हो गया भाजपा का आधे से ज्यादा भ्रम। सुरक्षित विधानसभाओं पर भाजपा गठबंधन का दबदबा, 86 में से सबसे ज्यादा 65 सीटों पर कब्जा। बसपा अध्यक्ष मायावती बोली, मुस्लिम समाज का बसपा से अधिक सपा पर भरोसा करना भारी भूल। महिलाओं के लट्ठे हैं तैयार, पुरुषों की ढाल, आज बरसाना में बिखरेगा लठमार होली का उल्लाभर। नहीं थम रहे रूस के हमले, अमेरिका ने 13.6 बिलियन डॉलर के इमरजेंसी पैकेज को दी मंजूरी। आईएसआईएस के नेता ने खुद को परिवार सहित बम से उड़ाया, आतंकी संगठन ने नए प्रमुख के नाम का किया ऐलान, बयान में अमेरिका का भी जिक्र। भारत की तरफ से आई मिसाइल, कई इलाकों को पहुंचा नुकसान। पाकिस्तानी सेना ने किया दावा, बाइडेन रूस से खत्म करेंगे व्यापार संबंध, आयात पर भी बढ़ा सकते हैं टैरिफ। यूक्रेन में अमेरिका चला रहा जैविक प्रयोगशालाएं, रूस के दावे पर संयुक्त राष्ट्र परिषद करेगा बैठक। आईपीएल से पहले गुजरात टाइटंस की टीम करेगी उद्घाटन समारोह का आयोजन, टीम की जर्सी भी होगी लॉन्च। जेसन होल्डर और एनक्रूमा ओनेर ने वेस्टइंडीज को संभाला, इंग्लैंड को अब भी 109 रन की बढ़त। रावलपिंडी टेस्ट मैच के पिच पर आईसीसी ने दी प्रतिक्रिया, वेन्यू के रेटिंग में आई गिरावट। अनफिट जडेजा के डे नाइट टेस्ट खेलने पर सस्पेंस, कोहली की नजर, शतक का सूखा खत्म करने पर। थप्पड़ कांड के 14 साल बाद श्री संत के रिटायरमेंट पर आई हरभजन की प्रतिक्रिया। कश्मीरी हिंदुओं के दर्द को पर्दे पर साकार करती है फिल्म, अनुपमा खेर का अभिनय रहेगा याद। आदित्य नारायण ने बेटी त्रिशा के साथ शेयर की पहली तस्वीर, अपनी एंजल के साथ समय बिताने के लिए सोशल मीडिया से बना ली दूरी। ऋतिक रोशन ने किया फाइटर की रिलीज डेट का ऐलान, दीपिका पादुकोण के साथ नजर आएंगे एक्टर। अर्जुन कपूर और जॉन अब्राहम की अरियप्पन कोशियम के हिंदी रीमेक पर रुका काम,
डायरेक्टर जगन शक्ति ने बताई बड़ी वजह। कार्तिक आर्यन को शादी करने के लिए मिला 20 करोड़ का ऑफर, एक्टर ने फैमिली फैन को दिया मजेदार जवाब। पांच मिनट की 25 खबरों में फिलहाल इतना ही, तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।